हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को हुई। कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें पहाड़ों की रानी शिमला को बम्पर गिफ्ट मिले। विपक्ष इन गिफ्ट्स को चुनावी गिफ्ट कह रहा है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि शिमला को क्या क्या तोहफा दिया गया। फिर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सभी पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले को किस तौर पर देख रहे हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पहाड़ों की रानी को क्या गिफ्ट इस कैबिनेट की बैठक में दिया गया। शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी भी दी है। कई सालों से डेवलपमेंट प्लान अधर में लटका हुआ था। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू हो रही थी। 43 सालों बाद शिमला के लिए विकास योजना बनाई जाएगी और अब कोर और ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पाबंदियां जो लगाई गई थी वो अब खत्म हो जाएगी। नगर निगम से नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण भी अब लोग करवा सकेंगे। एनजीटी के आदेशों की वजह से साल 2017 से यहाँ पर पाबंदियां लगी हुई थी, अब वो खत्म। डेवलपमेंट प्लान लागू होते ही 3 मंजिला भवन अब लोग बना सकते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात के लिए कैबिनेट में फैसले हुए हैं। कई ज्यादा ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर अब शहरों में भी फ्री पानी देने की योजना बन रही है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। शहर के लोगों के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा फ्री पानी का। शिमला आईटीआई में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद है, वो भी भरा जाएगा। तो क्या क्या गिफ्ट, क्या क्या तोहफे कैबिनेट की बैठक में, वो आपने सुने। और अब आपको बताते हैं कि शहरी विकास मंत्री ने इसको लेकर क्या कहा। मंत्रिमंडल ने शिमला की जो डेवलपमेंट प्लान है उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1979 में कानून बना था लेकिन 1979 तक आज तक शिमला की डेवलपमेंट प्लान नहीं बनी थी। इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के आधार पर ही काम होते रहे थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल के भी इस बारे में जो है आदेश थे कि डेवलपमेंट प्लान जल्दी बनाई जाए। 41 साल बाद आज जो है वो शिमला डेवलपमेंट प्लान बन करके जनता को समर्पित की गई है। मंत्रिमंडल ने एक पद इंस्पेक्टर फूड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट, फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट, गवर्नमेंट आईटीआई शिमला में एक पद इंस्ट्रक्टर कोपा जो है वो आईटीआई सुन्नी में, एक पद इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रक्टर का गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन बिलासपुर में और एक पद इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो आईटीआई सुन्नी में जो है वो सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। शिमला के लिए कैबिनेट की बैठक में कल कई बड़े फैसले किए गए। शिमला की जनता इसको लेकर क्या कहती है, अब आप सुनिए। गुफा छोड़ा है, इसे देख के हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि आज से पिछले 3-4 साल तक ये सोए रहे हैं। अब जब इलेक्शन डे आ रहे हैं एमसी के, तो उसमें एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नया एक शगुफा छोड़ दिया जाता कि हम डेवलपमेंट प्लान ला रहे हैं। जबकि इसके अगर डेवलपमेंट प्लान लाना ही था तो इसे 3-4 साल पहले लाते, हमारे उसे लाने से कोई एतराज़ नहीं है। परंतु जब तक एनजीटी का इसके ऊपर रोक है तो इस डेवलपमेंट प्लान को ये किस तरह लगाएंगे, ये तभी लग पाएगा जब एनजीटी की रोक हटेगी। जब कोई चुनाव आता है तो बीजेपी का एक एजेंडा रहता है कि कुछ भी ऐसा नया हथकंडा बनाया जाए जिससे वोट बैंक को हासिल किया जाए। तो ये भी एक हथकंडा ही है कि आप एक शिमला जैसे एरिया में एक ग्रीनरी एरिया है और उसमें आप ये डेवलपमेंट जो लेके आ रहे हैं, और वो भी इलेक्शन के सिस्टम में, जब इलेक्शन एमसी के जो है वो यहाँ पे होने वाले हैं। और सर पहले भी अगर ये इसी तरह का अगर विकास आप चाहते थे तो ये चीज़ आप पहले भी ला सकते थे, लेकिन आपने एकदम से जो है एमसी चुनावों को लेकर एक हथकंडा लाया है जिससे आप ये देख दिखाना चाहते हैं कि हम शिमला को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। देखिए, डेवलपमेंट प्लान को जो मंजूरी मिली है इससे राहत तो शिमला वासियों को ज़रूर मिलने वाली है, लेकिन जिस तरीके से एनजीटी के आदेशों के बावजूद जो 2017 में जो रोक लगाई गई थी ग्रीन एरिया और जो कोर एरिया शिमला में वहाँ पर जो है बिल्डिंग बनाने को लेकर, तो वो काम जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से यहाँ से जो शहरी विकास मंत्री हो शिमला से होते हुए भी ये कार्य नहीं कर पाए पहले, तो अब तो चुनावी वर्ष है तो लोगों को साफ तौर
पर दिख रहा है कि ये तो एक चुनाव नज़दीक आने के चलते भी जो है ऐसा। देखिए, ये सारा का सारा जो घोषणाएं इस चुनावी वर्ष में हो रही है, ये सारी की सारी घोषणाएं सिर्फ ख्याली पुलाव हैं भाजपा सरकार के। और जैसा आपको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान लाना था तो आज जो है 4.5 वर्ष का कार्यकाल भाजपा सरकार का पूरा होने को आ रहा है, तो आज तक ये लोग कहाँ सोए थे? आज जब चुनावी वर्ष है, जब MC के इलेक्शन सर पे है, तब जो है ये इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि शिमला की जनता का क्या कहना है इस डेवलपमेंट प्लान को लेकर। इस वक्त हमारे साथ अजय राणा प्रवक्ता BJP, साथ ही कौशल मुंगटा प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। चूंकि कैबिनेट की मीटिंग में कल कई बड़े तोहफे राजधानी शिमला को दिए गए, अजय राणा जी आपने सुना लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गए तो ये तोहफे पहले याद क्यों नहीं आई? देखिए, विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ये जब भी हो उसका स्वागत करना चाहिए। हमने लगातार विकास करने का प्रयास किया है और जब भी जो योजना लागू होती है उससे पहले उस पर काम किया जाता है, वर्कआउट होता है, इसमें वर्कआउट किया है। NGT की शर्तों में फंसे लोगों को अब राहत मिलेगी। इससे पहले शिमला के लिए कभी ये डेवलपमेंट प्लान फाइनली ही नहीं हो पा रहा था जी। इस पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसको जो है प्रकाशित किया गया था। मंत्रिमंडल ने मात्र शिमला के लिए नहीं किया है, मंत्रिमंडल ने सोलन के लिए भी जी। इस योजना का क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और इससे शिमला और सोलन दोनों शहरों के विकास में गति मिलेगी और उसमें लोगों का लाभ होगा। ठीक है, गति मिलेगी विकास को, लेकिन सवाल लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि अब 4.5 साल बाद आपको याद आई, लेकिन आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ कौशल मुंगटा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। कौशल मुंगटा जी, चूंकि अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, आप इस फैसले को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये जाती हुई सरकार है, वापसी इन्होंने आना नहीं है। अब लोगों को जो ये लोग लुभावने जो वादे किए जा रहे हैं, आपने देखा इससे पहले इन्होंने बसों का किराया आधा करने की बात करी थी महिलाओं की, वो भी कल इनकी कैबिनेट की बैठक थी, कहाँ गए आपके वो वादे? फिर पीछे इन्होंने और जो है बड़े बड़े वादे किए थे कि जो बिजली का बिल है वो 125 यूनिट तक जो है नहीं आएगा। अभी देखो आप, बिल जारी हुए हैं, उसके बाद भी बिल जो ना आ रहा है, 125 के बाद जीरो करने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ है। अब इन्होंने कल जो है ना, ये जो आपके अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने हैं, इसको लेकर के अभी जाग गए हैं। पहले तो ये सोए रहे पूरे म्युनिसिपल में, एक इन्होंने पत्थर नहीं पलटा शिमला के अंदर, जो है घोषणाएं बड़ी बड़ी की, एक्सीलेटर लगवा लेंगे, ये कर लेंगे, सो कर लेंगे, जब ये नहीं हुआ, अब इनको दिखा कि अपने हाथ सत्ता जा रही है, म्युनिसिपल की भी जा रही है और प्रदेश सरकार भी जा रही है, तब इनको लग रहा है कि अब हमको ऐसे ऐसे जुमले छोड़ने पड़ेंगे। और जो ये NGT का फैसला था पीछे आया हुआ, आज इन्होंने जो इसको 3 मंजिल करने का फैसला लिया है और 3 मीटर तक बढ़ाने का की बात की है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिमला की जो एक हमारी भौगोलिक स्थिति है, उस हिसाब से अगर देखिएगा, राजनीतिक रूप से आप इसको देखेंगे तो बहुत गलत होगा। एक रिपोर्ट ये बताती है, हम जो है ना भूकंप जोन जो है ना 4-5 में आते हैं, बहुत डेंजर है इसमें जो है ना, ये अगर भूकंप आता है तो यहाँ लाखों लोग मरेंगे, ये भी एक बात है। तो ये इसको पॉलिटिकली रूप नहीं देना चाहिए, इसको डेवलपमेंट के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसको बहुत ही पारदर्शिता के साथ जोड़ा जाना चाहिए, इसको राजनीति से ना जोड़े, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मानव जो हित के जो है खिलाफ है, इसके खिलाफ। इसमें मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता कोई भी, बाकी राजनीतिक मंशा इनकी बहुत साफ है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी सरकार बचाने की और अपनी म्युनिसिपल वापस आने के लिए जो है झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, जनता इनको समझती है। ठीक है, बने रही आप भी हमारे साथ। गौरव शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। गौरव शर्मा जी, सरकार करे तब भी दिक्कत और ना करे तब भी? देखिए, बिल्कुल सही बात है, चुनावी वर्ष आने वाला है, 4 महीने चुनाव के लिए रह गए हैं, केवल मात्र इनको जो ये घोषणाएं हैं चुनाव के समय में याद आती है। हम आम जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आप 4.5 वर्षों तक आपने क्यों नहीं है जो डेवलपमेंट प्लान की ये बात कर रहे हैं? आज से पहले दोनों पार्टियों की सरकारें रही, दोनों 1-time settlement पॉलिसी लाए, आज तक लागू नहीं करवा पाए इन चीजों को। वो केवल मात्र वो जब MC का चुनाव आता था, विधानसभा का चुनाव आता था, तब तक दोनों दलों को ये याद आता था कि अब शिमला के पेरिफेरियल, पहले इन्होंने अव्यवस्था, इनके अव्यवस्था के कारण लोगों ने मकान बना दिए, अपनी जमा पूंजी से मकान खड़े कर दिए, जब वो मकान खड़े होने दिए, इनके अधिकारी सोए रहे, जब वो इनका MC का चुनाव आता था, विधानसभा का
चुनाव आता था कभी ये बात करते थे वन टाइम सेटलमेंट की, कभी ये बात करते थे किसी प्लान की। ये जो ये कहानी पढ़ रहे हैं कि हम इतने वर्षों के बाद डेवलपमेंट प्लान लाए हैं, आखिर इसका औचित्य क्या है? 4.5 वर्षों में क्यों नहीं लाए? अरे इनकी केंद्र में सरकार है, केंद्र में ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमारा केस लगा फिरा, वो आज तक रिपोर्ट आउट नहीं कर पाए। इनके जितने स्टैंडिंग काउंसिल है वहां जाके वो प्लीट नहीं कर पाए, वो केसेस की पेशियों के जब पेशियां लगती थी तो वहां इनके वकील नहीं पहुंचते थे प्लीट करने के लिए। आखिर ये लोग जो ये नहीं कर पाए, जो रूटीन में चीजें चल रही थी, ये डेवलपमेंट प्लान लेके इसको बेचना चाहते हैं। केवल मात्र चुनावी वर्ष है, चुनावी घोषणाएं हैं। अभी इन्होंने पिछली कैबिनेट में कहा कि इन्होंने पिछली में कहा कि हम ये कर देंगे। अभी आप बताइए 58 यूनिट खर्चने पर भी कल एक बिल आया है और हम वो बिल हमने सार्वजनिक किया है। आपने पहले काम 60 जो है यूनिट बिजली को मुफ्त देंगे, वो भी नहीं कर पाए। 125 की बात आप रहने दीजिए। गाँव में पेयजल कनेक्शन की इन्होंने बात की कि हम बिल नहीं लेंगे, पानी 10 दिनों से नहीं आ रहा है। ये सारी चुनावी घोषणाएं हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजय राणा से। अजय राणा जी, सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा आप कर रहे हैं, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा, बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। एक अगर बिल पकड़ के सारे ढिंढोरा पीटेंगे, ये इनका काम है। कई बार क्लरिकल मिस्टेक भी होती है, कई बार ह्यूमन एरर भी होती है। तो एक बिल को पूरा नचा नचा के बंदरी के बच्चे की तरह उसको नचा रहे हैं एक बिल को। ओवरऑल 4,37,000 परिवारों को इसका लाभ हुआ है और आने वाले समय में 125 यूनिट जो सरप्लस बिजली हमारे पास थी उसका लाभ पूरे हिमाचल को मिलेगा। और हम स्टेट वेलफेयर, हम वेलफेयर स्टेट हैं, जन कल्याण जन कल्याणकारी स्टेट राज्य है। इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है, पूरी जनता को मिल रहा है। और इनका भी ताजा जुमा तो अभी 6 महीना पहले आए हैं, ट्रट रहेंगे, स्वाभाविक है, इसमें हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन लोगों का काम हमने करना है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एनजीटी में फंसे जो शर्तें थी उससे लोगों को राहत भी मिलेगी, ये तय है। लोगों को राहत मिलेगी कौशल मुंगटा, और क्योंकि आपकी जब सरकार थी तो शिमला डेवलपमेंट प्लान पर आपने क्या किया? देखिए ऐसा है, शिमला के लिए अगर आप भाजपा की बात कर रहे हैं, अभी अगर मुद्दा ये है तो आप समझिए, इन लोगों ने तो सिर्फ राजनीति की। शिमला जो आज आपके सामने, ये कांग्रेस की देन है। शिमला के अंदर बड़े बड़े अस्पताल कांग्रेस की देन है। शिमला के अंदर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप चारों तरफ नजर घुमाइए, कांग्रेस की देन है। शिमला के अंदर शिमला का विकास ही कांग्रेस ने किया है। और रही बात है ये जो आज इन्होंने जुमला छोड़ा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतने के लिए किया गया एक जो है जुमला है। बाकी आपको मैं बता दूं, अब हमारे जो कमान है, हम जो ये कह रहे थे कांग्रेस बैकफुट पे है, प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बना दिया गया है और ये वही प्रतिभा सिंह जी है जिन्होंने जयराम ठाकुर को 1.5 लाख वोटों से पहले भी हराया हुआ है। सरकार हमारी आने वाली है, सारी समस्याएं अपने आप ही जो खत्म होने वाली, और ये वही लोग है जो 4 साल से ठीक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने जो है एनजीटी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां पर जो इन्हें ठीक से प्लीट तक नहीं कर पाए, ठीक से जो अपने अपने जो सरकार के जो है अपनी बात तक नहीं रख पाए हमारे जिला शिमला के लोगों की, तो इन लोगों को जो है केवल और केवल अब जो 1 महीना रह गया है सिर्फ जो भी आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए, जो भी हाईकोर्ट की वजह से, क्योंकि हमने केस डाला हुआ है जो इन्होंने तांडव किए यहाँ पे, तो आप समझिए ये जो लोग है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जो है ना एक ब्लेम करते हैं 70 साल कैल कह कह करके, जबकि सत्यता ये है कि जिला शिमला का एक एक पत्थर जो है शिमला का जो है उस कांग्रेस ने रखा है और आने वाले समय में कांग्रेस की जो है ना म्यूनिसिपल कमीशन बनने वाली है और ये भाजपा के लोग जो गूगल पर सर्च करने से भी नहीं मिलेंगे। यही बात आम आदमी पार्टी का दावा तो तीनों ही पार्टियां करी, फिर चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस डेवलपमेंट प्लान को शिमला की जनता किस तौर पर देखती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको ये बता दें कि शिमला डेवलपमेंट प्लान मंजूर हो चुका है।